أعوذ بالله ما في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين فآمنا له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إنا فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعسوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنا أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق
إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. तेईस नंबर की आयत तक बात पहुंची थी और 24 से आज बयान होना है जहां पे बात तमाम हुई थी. और जो लोग खुदा की निशानियों और उसकी मुलाकात का इनकार करते हैं वो मेरी रहमत से मायूस हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है. तो उनकी कौम का जवाब उसके अलावा कुछ न था कि इन्हें कत्ल कर दो या आग में जला दो. तो परवरदिगार ने उन्हें उस आग से नजात दिला दी. बेशक इसमें भी साहिबान ईमान के लिए बहुत सी निशानियां पाई जाती हैं. जाहिर सी बात है कोई इंसान आग के शोलों में डाला जा रहा है और आग के भड़कते हुए शोलों में वो जिंदा बच रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक अजीम निशानियों में से एक निशानी है. लिहाजा उसी को यहाँ के ऊपर अल्लाह बयान कर रहा है कि ये अल्लाह की ये साहिबान ईमान के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ पाई जाती हैं कि जो दुश्मनान खुदा थे उन्होंने रसूल खुदा को खलील खुदा को आग में डाला लेकिन उस आग ने खलील खुदा का कुछ नुकसान न किया और जनाब इब्राहिम आग के भड़कते हुए शोले में भी जिंदा रहे. और इब्राहिम ने कहा कि तुमने सिर्फ जिंदगानी दुनिया की मोहब्बतों को बरकरार रखने के लिए खुदा को छोड़कर बुतों को इख्तियार कर लिया है. ये जो बुतों की तुम पूजा कर रहे हो ये खुद अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई दुनियावी फायदे के लिए तुम कर रहे हो. इसके बाद रोज कयामत तुम में से हर एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर लानत करेगा जबकि तुम सबका अंजाम जहन्नम होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा. अब इसके बाद फिर लूत इब्राहिम पर ईमान ले आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूं कि वही साहिब इज्जत और साहिब हिकमत है और हमने उन्हें इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और फिर उनकी जुर्रियत में किताब और नबूवत करार दी और उन्हें दुनिया में भी उनका अजर अता किया और आखिरत में भी उनका शुमार नेक किरदार लोगों में होगा. यानी जो अल्लाह की राह में कदम उठाता है या अल्लाह की राह में कयाम करता है अल्लाह खुद उसकी जिंदगी में कितनी बरकत दे देता है. कि परवरदिगार कह रहा है कि एक तो लूत को हमने साथ कर दिया फिर उन्हीं की आल में हमने इसहाक और याकूब जैसी औलाद को करार दे दिया और फिर दुनिया में भी हम उसका अजर दिया आखिरत में भी उसका हम अजर देंगे वगैरह वगैरह. और फिर लूत को याद करो. अब यहां तक जनाब इब्राहिम की बात तमाम हुई फिर आगे होता है. अब फिर लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग ऐसी बदकारी कर रहे हो जो सारे आलम में तुमसे पहले कभी किसी ने भी नहीं की. तुम लोग मर्दों से जिंसी ताल्लुकात पैदा कर रहे हो और रास्ते कता कर रहे हो और अपनी महफिलों में बुराइयों को अंजाम दे रहे हो. तो उनकी कौम के पास इसके अलावा कोई जवाब न था कि अगर तुम सादिकीन में से हो तो वो अजाब इलाही ले आओ जिसकी खबर दे रहे हो. तो लूत ने कहा परवरदिगार तू इस फसाद फैलाने वाली कौम के मुकाबले में मेरी मदद फरमा. आज भी जो यहाँ के ऊपर फुटनोट है उसे मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूं कि इस सिलसिले में कौम लूत में वो सारी बुराइयां पाई जाती थी
जो आज के समाज में पैदा हो गई हैं। कौमे लूत में वो सारी बुराइयां पाई जाती थी कि जो आज के समाज में पैदा हो गई हैं। आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हमजिंसी को कानूनी शक्ल दी जा रही है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? लड़के की शादी लड़के से, लड़की की शादी लड़की से, इसको कानून इसको कबूल कर रहा है कि नहीं ठीक है, ये जायज है नाजायज है? नाजायज है। और इसको बाकायदा कानूनी शक्ल दी जा रही है, खुद ही यहां हमारे यहां भी कबूल किया गया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर लड़का लड़के से प्यार करता है तो ठीक है, लड़की लड़की से प्यार करती है तो ठीक है। यही तो लूत वालों का काम था। कौमे लूत का और क्या काम था? यही तो था। तो कौमे लूत में वो सारी बुराइयां मौजूद थी जो आज के समाज में पैदा हो गई हैं। आज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हम जिंस परस्ती कानूनी शक्ल अख्तियार कर चुकी है। डाका डालना, मुसाफिरों को लूटना, उस जमाने में अंदाज और था लूटने का, आज लूटने का अंदाज और है। उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन करने का अंदाज और था, आज लड़कियों को मारने का अंदाज और है। इसी तरीके से महफिलों में रक्स और रंग, नाच गाना, लगवियात, बेहुदा बातें, खुराफात, और एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को अजियत पहुंचाना, ये सब आम बात हो चुकी है, एक आम बात। बल्कि इज्तिमाई तौर पर ये सब चीजें अंजाम दी जा रही हैं। एक तो ये होता है कि चलो भाई ठीक है, एक इंसान अपने घर में गुनाह कर रहा है, अभी तो हालत ये कि दुनिया में बाकायदा ये चीजें चौराहों पे हो रही हैं, रोडों के ऊपर हो रही हैं ये सारी चीजें, और ये सारे गुनाह करने के बाद इंसान फख्र कर रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत अच्छा, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कौम लूत में जो खराबियां थी वो यही खराबियां थी जिसकी बुनियाद के ऊपर, कौम लूत के ऊपर अजाब आया था। जनाबे लूत ने जब कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, बाज आ जाओ इससे। तो उनका अच्छा अगर सच्चे हो तो ऐसा अजाब ला के दिखाओ। लूत ने कहा परवरदिगार तू ही इस फसाद फैलाने वाली कौम के बारे में के मुकाबले में मेरी मदद कर। अब जब उन्होंने जनाबे लूत को चैलेंज कर दिया, जब लूत को नबी को चैलेंज करना आसान है, नबी को चैलेंज कर दिया, बस जैसे चैलेंज करना था कि गजा पे परवरदिगार, और फौरन अजाब के आसार नमूदार हो गए। जब हमारे नुमाइंदा फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए और उन्होंने यह खबर सुनाई कि हम उस बस्ती को हलाक करने के लिए आए हैं, कौन सी बस्ती को? लूत वाली। उस बस्ती को हलाक करने के लिए आए हैं कि उस बस्ती के लोग बड़े जालिम हैं, तो इब्राहिम ने कहा कि उसमें तो लूत भी है। उन्होंने जवाब दिया कि हम सबसे बाखबर हैं, हम जानते हैं लूत उसमें है, उसका टेंशन तुम ना लो, हमें पता है कि उसमें लूत भी है, हम उन्हें और उनके घर वालों को नजात दे देंगे। यानी जो जनाबे लूत और जो लूत के ऊपर ईमान लाने वाले हैं उनको नजात दे देंगे, अलावा उनकी जौजा के, क्योंकि उनकी जौजा भी उन्हीं में मिली हुई है गांव वालों में, उनकी जौजा भी गांव वालों के गुनाहों को सपोर्ट करती है और उन्हीं की मदद करती है, लिहाजा उनकी जौजा क्यों? इसलिए कि वो पीछे रह जाने वालों में है, यानी जनाबे लूत का साथ देने वाली नहीं है। फिर जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो परेशान हो गए और उनकी मेहमानी की तरफ से दिल तंग होने लगे, क्योंकि जब जनाबे लूत के पास ये फरिश्ते गए तो ये मुसाफिरों की सूरत में आए थे, फरिश्तों की सूरत में नहीं आए थे। ये गए जैसे दरवाजे पे कोई आता है और हमने कहा जी सलाम अलैकुम, अलैकुम सलाम, खैरियत, कहा हाँ आपसे मुलाकात के लिए आए। ये परेशान ये हुए क्योंकि उन उस कौम यानी इत कदर गिर गई थी कौम कि
कि बस्ती में कोई भी आता था तो उसके ऊपर वो झपट पड़ते थे, या तो उसकी उसको अपनी हवस का निशाना बनाते थे या उसको लूट लेते थे। जनाबे लूट को ये डर हुआ कि अगर कहीं इन कमबख्तों को पता चल गया कि ये मेहमान हमारे यहां आए और सूरतों से इतने अच्छे लग रहे हैं, शरीफ लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी, अब क्या किया जाए। लिहाजा जब फरिश्ते लूत के पास आए तो वो परेशान हो गए और उनकी मेहमानी की तरफ से दिल तंग होने लगे कि या अल्लाह ये हमारे मेहमान है, कहीं ये मेहमानों की ये बस्ती वाले जिल्लत ना कर दे। उन लोगों ने कहा, कौन जो आए थे, उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं, आप घबराइए नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हैं, आप डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं और परेशान ना हो, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, सिर्फ आपकी सौजा को नहीं कि वो पीछे रह जाने वालों में से, हम इस बस्ती पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। ये जो आए थे फरिश्ते इंसानों की सूरत में, इन्होंने कहा कि आज हमको भेजा ही इसीलिए गया है, हम आए हैं तुम्हारे पास ताकि तुमको बता दें कि तुम और तुम्हारे ऊपर जो ईमान लाए हैं उनको साथ में लेके यहां से निकल लो, फिर इस बस्ती को हम देखते हैं। जनाबे लूत और जो लोग उनके ऊपर ईमान लाए थे वो निकल गए बस्ती से। बस्ती से निकलना था कि बस कयामत आ गई और हम इस बस्ती के ऊपर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले कि लोग बड़ी बदकारी कर रहे हैं, और हमने उस बस्ती में साहिबान अक्ल होश के लिए खुली हुई निशानियां बाकी रखी हैं। अब इस आयत में अल्लाह की मुराद क्या है, यहां के ऊपर भी एक फुटनोट है। अल्लाह ने कौम लूत को हलाक करने के बाद और उन पर अजाब नाजिल करने के बाद उजड़ी हुई बस्ती के निशानात छोड़ दिए। जैसे एक शहर होता है, शहर के ऊपर खुदा नखास्ता अगर आज बमबारी होने लगे और बमबारी करने के बाद जहाज आए और चले गए तो ये जो टूटे फूटे मकान हैं ये तो पड़े रहेंगे ना ऐसे ही, तो यहां के ऊपर वही है कि अल्लाह ने कौम लूत को हलाक करने के बाद, उन पर अजाब नाजिल करने के बाद उजड़ी हुई बस्ती के निशानात छोड़ दिए। बस्ती को जमीन से साफ नहीं किया, क्यों, ताकि लोगों के लिए इबरत रहे, ताकि आलम इंसानियत को इबरत हासिल हो और यह देखे कि इस तरह की बदकारी का क्या अंजाम होता है और इससे कौमें किस तरह तहस नहस और बर्बाद हो जाती हैं। और इस काम के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, अल्लाह के यहां क्या है, वो तो पलक झपकते हुए सब कुछ हो जाता है, एक जलजले में सारी बस्ती तहबाला हो जाती है, एक धरती कम आया और सब पूरा शहर खत्म, एक जलजले में सारी बस्ती तहबाला हो जाती है और आबादी का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता है। लेकिन अफसोस यह है कि बेअक्ल और बेशऊर इंसान इससे फायदा नहीं उठाते। यह सारा सामान इबरत सिर्फ साहिबान अक्ल के लिए है। हैरत की बात यह है कि दौरे हाजिर में जिन कौमों ने इन वाकयात से इबरत हासिल नहीं की और ऐसे ही काम करते रहे और अफाल को अंजाम देते रहे और ऐसे ही अफाल को सरमाए तहजीब व तमद्दुन करार दिया है। क्या मतलब सरमाए तहजीब व तमद्दुन, यानी आज कहते हैं कि मॉडर्न मुल्क कौन सा है, कहां अमरीका बड़ा मॉडर्न है, काहे के लिए मॉडर्न है, बेहयाई बहुत है इस वजह से मॉडर्न है, अरे साहब यूरोप बड़ा मॉडर्न हो गया, सऊदीया बड़ा मॉडर्न हो रहा है, भाई क्या हुआ, कब बेहयाई हो रही, जितना बेहयाई अख्तियार कर लो उतने मॉडर्न। यही था लूत की कौम का, लूत की कौम जो थी वो यही थी और आज उस गुनाह को दुनिया मॉडर्न समझ रही है। तो जितना आज ज्यादा कोई उल्टे सीधे काम करे वो उतना मॉडर्न है, शराब पियो, जुआ खेलो,
लोगों की इज्जतों से खेलो, वो उतने मॉडर्न हैं। सरमाया और तहजीब और तमद्दुन, इन्हीं को साहेब अक्ल होश कहा जाता है, और ये उम्मत इस्लामिया की अपनी बदअकली और बदहवासी की अलामत है। रब करीम इस उम्मत को ख्वाब गफलत से नजात दे दे। और उसके बाद हमने मदियन की तरफ, ये तो इनका काम तमाम हो गया, अब आइए दूसरी कौम दिखाएं आपको, बस एक 3-4 मिनट में। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, तो उन्होंने कहा कि लोगों अल्लाह की इबादत करो और रोज आखिरत से उम्मीदें वाबस्ता करो, और खबरदार जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। तो उन लोगों ने उन्हें झुठला दिया जनाब शुएब को, और नतीजे में उन्हें एक जलजले ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, एक धरती कंप। उसके सामने क्या है, एक धरती कंप आया और पूरा गांव, पूरी बस्ती सब खत्म, सब तहस नहस बर्बाद। और अपने घरों में औंधे मुंह जानू के बल पड़े रहे, उठने तक का मौका नहीं मिला उनको, औंधे मुंह जानू के बल, जैसे कोई सजदे में नहीं होता, इस तरीके से वो पड़े रहे सब। और आद और समूद को याद करो, ये सब कौमें हैं, पहले जनाब इब्राहिम की मिसाल दी, फिर उसके बाद लूत की कौम की, और उसके बाद फिर शुएब की कौम की, और उसके बाद फिर अब ये कौम आद और समूद, जनाब हूद और जनाब साले, इनको याद करो कि तुम लोगों के लिए उनके घर भी सरे राह वाजे हो चुके हैं, और शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को आरास्ता कर दिया था और उन्हें रास्ते से रोक दिया था, हालांकि वो लोग बहुत होशियार थे। खुद कौम आद और समूद के लिए कहा जाता है कि बड़ी मजबूत कौमें थी दोनों, और पैसे वाली कौमें थी, और पत्थरों को काट काट के मकान बनाते थे, पहाड़ों को काट काट के मकान बनाते थे, ये सब इनकी कौम के उसमें लिखा हुआ है। और कारून और हामान को भी याद करो, लेकिन इस कौम आद और कौम समूद का क्या हुआ, सब खत्म करके खाली निशानियां, आज भी जार्डन में कौम आद और कौम समूद की जो बस्तियां उसकी निशानियां आज भी पाई जाती हैं। और कारून और फिरौन और हामान को भी याद दिलाओ कि उनका क्या हुआ, ये जो दुनिया में अपने को खुदा बने बैठे हुए थे, कारून की दौलत, हामान, फिरौन, जिनके पास मूसा खुली हुई निशानियां लेकर आए, तो उन लोगों ने जमीन में इस्तकबार से काम लिया, इस्तकबार यानी गुरूर से, घमंड से अकड़ गए, हालांकि वो हमसे आगे जाने वाले नहीं थे। तुम अल्लाह के सामने गुरूर कर रहे हो, हालांकि वो हमसे आगे जाने वाले नहीं थे। फिर हमने हर एक को उसके गुनाह में गिरफ्तार कर लिया, किसी पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी, किसी को एक आसमानी चीख ने पकड़ लिया, और किसी को तो जमीन ही में धंसा दिया, और किसी को पानी में गर्क कर दिया। और अल्लाह किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है, बल्कि ये लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपने नफ्स के ऊपर ये खुद जुल्म करते हैं। और जिन लोगों ने खुदा को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। ये सूरा सूरह अनकबूत है, अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, मकड़ी जो जाला नहीं बुन देती, इसको कहते हैं मकड़ी, गुजर करोनिया, हाँ जी करोंजिया ऐसे ही। तो ये जो है मकड़ी, सबसे कमजोर अगर किसी का घर होता है तो मकड़ी का होता है, सबसे कमजोर घर। यहां गबर अल्लाह कह रहा है कि और जिन लोगों ने खुदा को छोड़कर दूसरे सरपरस बना लिए, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है कि उसने घर तो बना लिया लेकिन सबसे कमजोर, ये जो अल्लाह के अलावा जो भी किसी को पुकारता है। अल्लाह कह रहा है कितने कैसे लोग हैं कि इन्होंने घर भी बनाया तो इतना कमजोर, इन्होंने वसीला भी तलाश किया तो इतना कमजोर। अगर इन लोगों के पास इल्म और इदराक हो, बेशक अल्लाह खूब जानता है कि उसे छोड़कर ये लोग किसे पुकार रहे हैं, और वो बड़ी इज्जत वाला और साहिब हिकमत है।
और ये मिसालें हम तमाम आलम इंसानियत के लिए बयान कर रहे हैं, लेकिन इन्हें साहिब इल्म के अलावा कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है और इसमें साहिबान ईमान के लिए उसकी कुदरत की निशानी पाई जाती है। आप जिस किताब की आपकी तरफ वही की गई है इसे पढ़कर सुनाएं और नमाज कायम करें कि नमाज हर बुराई और बदकारी से रोकने वाली है और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी शय है और अल्लाह तुम्हारे कारोबार से खूब बाखबर है। सदकल्लाहुल अलीयुल अजीम बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अज़ीज़ाने गिरामी, पिछले भी दर्स में आपकी खिदमत में कुछ वो मुख्तसर आमाल पेश किए थे जो रजब में बहुत आसानी के साथ किए जा सकते हैं। जहाँ कुछ आमाल बताए थे वहीं रजब में रोज़े की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा वैसे ही फ़र्ज़ किया जा चुका है जैसे पहली उम्मतों पर किया जा चुका है, शायद तुम इसके ज़रिए से मुत्तकी बन जाओ। तो ये आयत बहरहाल रोज़े की अज़मत और उसके वजूब पर दलालत करती है, लेकिन ये मुकद्दस महीना जिसमें हर अमल की जज़ा बढ़ जाती है, सदकात खैरात जितनी चीज़ें हैं इसमें इजाफा होता चला जाता है जो नेकियां उसके नामे अमल में हैं, इसी में है रोज़े की बहस। और कुछ चीज़ें उस दिन तफसील नहीं बयान की थी, जो बिल्कुल मुख्तसर थे उसको बयान किया था, एक दो चीज़ें आपकी खिदमत में बयान करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं शायद ये चीज़ हमारे लिए मुश्किल है लेकिन दूसरे के लिए वो आसान होती है, और वो आसानी से अंजाम दे सकता है, हम नहीं अंजाम दे सकते हैं। पहली रजब के रोज़े की भी बहुत ताकीद थी जिसके मुकद्दर में था, बहरहाल उसने हिम्मत की रखा, और रजब के हर दिन के रोज़े की फजीलत है। लेकिन इसी के साथ आप देखें, छठे इमाम से रवायत है पहली रजब के रोज़े के सिलसिले में भी और आगे भी उसी रवायत का जुज है कि जो इस महीने में 7 दिन रोज़ा रखेगा, किसी दिन की कैद नहीं, जब भी तबीयत सही है, दिल चाह रहा है, सारे असबाब मुहैया हैं, अगर आदमी रखता है तो इसके लिए जहन्नम के 7ों दरवाजे बंद हो जाएंगे। और अगर कोई पूरे रजब में 8 रोज़े रखता है तो जन्नत के 8ों दरवाजे खुल जाएंगे। फिर जो आदमी 15 रोज़े रखेगा, 15 रोज़े रखेगा तो फिर जो भी दुआ करेगा उसको अल्लाह अता करेगा और उसकी हाजतों को पूरा करेगा। पहली रजब के भी आमाल उस दिन कुछ बताए थे, लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं। आने वाली शबों में आप देखें, जैसे 15 रजब की शब को अगर कोई इंसान 30 रकात नमाज पढ़ता है, इस तरह कि हर रकात में सूरह हमद एक मरतबा और सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा, तो अजाब कब्र के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी तरीके से 16 और 17 रजब की शब को यही नमाज पढ़े तो अजाब कब्र से महफूज रहेगा 3 दिन। 15 की शब, 16 की शब, 17 की शब, जिस दिन भी पढ़ सके, तीनों दिन के लिए यह रवायत मौजूद। फिर आप देखें, जो शख्स माहे रजब के आखिर में 1 रोजा रखे, 26, 27, 28, 29 आखिरी अयाम में 1
ایک روزہ رکھے گا تو پروردگار اس کو سکرات موت سے نجات دے گا اور مرنے کے بعد قبر کے ہول سے محفوظ رکھے گا اور اس دن کی شدت سے بچائے گا. خدا اس کو اگر کوئی انسان 3 دن روزہ رکھے گا تو قیامت کے اور آخرت کے خوف سے بچ جائے گا اور اس دن کی شدت سے محفوظ رہے گا اور خدا اسے جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرے گا. اگر کوئی شخص روزے کے بہت فائدے, آخر میں بھی ایک روایت عرض کرنا ہے, لیکن آپ دیکھیں اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ یہ تو میں نے بالکل ضعیفی کے زمانے میں جانا, اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا, شوگر اتنی رہتی ہے, پانی کم ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو ساتھی میں آپ دیکھیں ان کے لیے بھی پروردگار نے حل پیدا کیا. کہا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو اور روزانہ 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے, تسبیح میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100. ایک تسبیح پڑھنا, کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ الجلیل سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له سبحان العز الاکرم سبحان من لیس العز وهو له اهل. اگر اس تسبیح کو پڑھتا ہے, ایک تسبیح پڑھنا ہے, تو چاہے پہلی رجب کو روزہ نہیں رکھ سکتا, 100 مرتبہ پڑھا تو پہلی رجب کے روزے کا ثواب ملے گا, 13 کو رکھتا ہے 13, 14, 15 تو اس کا ثواب ملے گا, جمعرات جمعہ سنیچر وارد ہے رکھنے کے لیے وہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا. تو یعنی وہ ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری رحمت سب تک پہنچے, کوئی جو ہے بچ نہ سکے. ماہ رجب کے جمعے کو 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کی روایت, قل واللہ, اس کے جو بھی انسان پڑھے گا روز قیامت ایسا نور ہوگا, اس کے پاس ایسا نور ہوگا جو اسے جنت تک کھینچ کر لے جائے گا. اس کی اتنی طاقت و قوت ہوگی, 100 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے جمعے کے دن. پھر آپ دیکھیں روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کے دن 4 رکعت نماز ظہر و عصر کے درمیان پڑھے, نماز ہر رکعت میں, نماز کیسے پڑھیں, ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور قل ہو اللہ و احد 5 مرتبہ, اور آخر میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واسلہ التوبہ. تو جو بھی اس نماز کو پڑھے گا, 4 تو جمعے آئیں گے ہی, کم سے کم 3 تو آئیں گے, نہیں 5 ہو سکتے ہیں لیکن 4 تو آئیں گے, کسی بھی جمعے کو اگر وقت نکل جائے انسان کے پاس, ایک جمعہ بھی قوت و طاقت اکٹھا کر کے مصمم ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے, تو انشاءاللہ جس دن نماز پڑھی ہے اس دن سے مرنے تک جس دن پڑھی ہے اس دن سے مرنے تک, جب بھی موت آئے, روز 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی, روز 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جو بھی آیت پڑھی ہے اس کے بدلے بہشت میں ایک شہر یاقوت سرخ کا, اور ہر حرف کے بدلے ایک قصر سفید موتیوں کا تعمیر کر دیا جائے گا اس کے لیے جس نے یہ نماز پڑھی ہے, اور اس کا عقد حور العین سے کر دے گا اور اس سے راضی رہے گا, اور اس کا نام عبادت گزاروں میں درج کر دے گا, اور اس کا انجام نیک لوگوں میں ہوگا. ماہ رجب کے دن 3 دن, ماہ رجب میں 3 دن, جمعرات جمعہ سنیچر روزہ رکھے اس کو 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا 3 دن کے روزے میں. پھر آپ دیکھیں جو شخص محض خوشنودیے خدا کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے ماہ رجب کا روزہ رکھے گا, خدا کی خوشنودی کا حقدار ہوگا, اور روز قیامت اس کا یہ روزہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا, اس کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دے گا,
अगर तमाम जमीन को सोने से पुर कर दिया जाए, पूरी जमीन सोने से भर दी जाए, तब भी इस महीने के एक दिन के रोजे से बेहतर नहीं हो सकता, अगर इतनी भी खैर खैरात करे। अगर तमाम जमीन माह रजब के रोजे के इफ्तार के बाद उस शब में खुदा उस शख्स की 10 दुआएं मुस्तजाब करता है, जब रोजा इफ्तार कर लेगा माह रजब में, तो इस वक्त दुआ करना चाहिए। इसलिए कम से कम 10 दुआ का वादा किया अल्लाह ने कि इसकी दुआ मुस्तजाब करेगा। खुदा अपने बंदों को औलियाए इलाही और असफियाए इलाही और अपने दोस्तों के मानिन जानता है, और इसकी दुआएं मुस्तजाब होगी। जो कोई रजब में दो रोजे रखे तो जमीन व आसमान के बरगुजीदा बंदे उसकी करामत का हिसाब लगाने से कासिर, जिनको अल्लाह ने चुना है अंबिया, वो भी हिसाब लगाने से कासिर है। खुदा उस बंदे की उम्र को दराज करेगा, लंबा करेगा, और 10 सादिकीन की उम्र भी नेकियों के बराबर सवाब लिख देगा। 10 सादिकीन के नामे आमाल में जो नेकियां होंगी वो इसके नामे आमाल में लिख देगा, और सादिकीन के साथ जो है इसको मशहूर करेगा, यहां तक कि बहिष्त में जाएगा और सालहीन अच्छे लोग इसके साथी होंगे। आखिरी रवायत के 3 जुमले, जो कोई 3 दिन रोजा रखेगा पूरे रजब में, तो खुदा उसके और दोजख के दरमियान खंदक खोद देगा कि ताकि इतना फासला रहे कि उसकी वजह से करीब ही ना आ सके, या फिर 70 साल की मुसाफिरत के बराबर एक पर्दा हायल कर देगा, जितना 70 बरस चल के पहुंचे जहन्नम इतनी दूर रहेगा इससे। फिर आप देखें, और इफ्तार के वक्त फरमाएगा, मुझ पर तेरी मोहब्बत का हक लाजिम है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ किया और आइंदा गुनाहों को भी माफ करता हूं। 3 दिन अगर रोजा रखेगा, क्यों रोजा रख रहा है? अल्लाह से करीब होने के लिए, खुशनुदी खुदा के लिए। वाजिब नहीं है, फिर भी दिन भर भूखा और प्यासा है, किस लिए? अल्लाह की मोहब्बत। तो अल्लाह अपनी करामत की बारिश करता है, रजब चाहता है कि हर बंदा नजात पा जाए। जो इंसान 3 दिन 4 दिन माह रजब में रोजा रखेगा, उसको तमाम बलाओं और बीमारियों से नजात अता करेगा, फितने दज्जाल अजाब कब्र से पनाह देता है, और उसके नामे आमाल में उलिल अलबाब तवाबीन के मानिंद अजर होगा, जो अल्लाह के खास बंदे उनके मानिंद, इसका नामे आमाल इसके दाहिने हाथ में होगा। आखिरी जुमले इस रवायत के, कि अगर कोई इंसान 5 रोजे रखेगा तो खुदा पर लाजिम है कि वो उसे रोजे कयामत खुश करे, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा, खुदा इसके हिसाब में कोहे आलिज की रेत के बराबर सवाब लिखेगा। क्या रेत को शुमार किया जा सकता है? एक ट्रैक्टर रेती गिरा दी जाए तो कोई नहीं गिन पाएगा, कोहे आलिज की रेत के बराबर भी अगर हो तो भी जो इसके नामे आमाल में सवाब लिखेगा, और इसे बेहिसाब बहिष्ट में दाखिल कर देगा, और जो कुछ चाहते हो परवरदिगार उसे तुम्हारे लिए मुहैया कर देगा। लिहाजा बहरहाल बहुत ही अजीम महीना है, थोड़ा सा हम लोगों को मुतवज्जे होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, ये तस्बीह मफातीह में है जो रोजे के बदले है, आप उसमें देख सकते हैं, लिख लें। जो अफराद रोजा नहीं रख सकते हैं, कम से कम अगर एक आध दिन एक पर्ची बना के रख लेंगे तो बहरहाल दिन भर में कोई मुश्किल नहीं है एक तस्बीह पढ़ना। लिहाजा दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए इस्लाम के सायों को हमारे सरों पे बाकी फरमा, इमाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके ऐवान अनसार में शुमार फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत।
तस्बीह पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। वुजू का फ़ायदा यह है कि सवाब ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सलवात पढ़ रहे हो, भाई इस वक्त वजू नहीं है, मजलिस में बैठे हो, सलवात पढ़ रहे हो, बग़ैर वजू के हो, उसका सवाब अलग है। यही सलवात आप वजू करके पढ़ो, उसका सवाब अलग है। आप दर्स में आए हैं बग़ैर वजू के, हो सकता है बहुत से लोगों, कोई गरज नहीं है, सवाब। लेकिन अगर यही इसी दर्स में आप वजू करके बैठिए, सवाब बढ़ जाएगा। यही हुक्म तस्बीह के लिए है कि अगर आप तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, कोई गरज नहीं, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कोई गरज नहीं। लेकिन अगर आप वजू करके तस्बीह पढ़िए तो सवाब इजाफा हो जाता है, सवाब में ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बस ये कि जिस तस्बीह को आप पढ़ उसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम अगर लिखा है तो फिर आपको वजू करना वाजिब हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बग़ैर वजू के अल्लाह ताला और पैगंबर खत्ती मर्तबत और मासूमीन अलैहिस्सलाम के नामों को छूना जायज़ नहीं है। हाँ, खाके शफा की तस्बीह इमाम हुसैन का नाम ना हो उसके ऊपर। हाँ, खाके शफा की अगर तस्बीह है तो उसके ऊपर या हुसैन ना लिखा हो। अगर या हुसैन लिखा है तो फिर उसको आप बग़ैर वजू के नहीं मस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप 24 घंटे लानत पढ़ते रहिए। तस्बीह के ऊपर कुछ भी लिखा हो, लानत पे आप कर रहे हैं तो लानत दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के लिए कर रहे हैं ना आप। हाँ, तो उसमें क्या है। ठीक है, वक्त मुकम्मल हो रहा है, वरना एक छोटी सी दुआ का तर्जुमा था, इंशाल्लाह किसी और मौके के ऊपर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और बस आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमाकर इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमीन और वो सारे मोमिनीन की जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं उनकी अरवाह को बख्श दें।